हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए क्लास को है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तक के आकार या द्रव्यमान में वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उत्तक का जब आकार बढ़ता है तो उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे, परिपक्वता बोलेंगे, या फिर विकास बोलेंगे कि प्रगति बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे वृद्धि। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप का, ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास, दोनों में अंतर होता है ये कि वृद्धि में क्या होता है कि फिजिकली हम लोग जो है डेवलप करते हैं। ठीक है, फिजिकल रूप से यानी कि हमारा बॉडी का आकार बढ़ता है। और विकास में क्या होता है, हमारे मानसिक जो भी हम लोगों का मानसिक विकास होता है तो उसको हम लोग विकास बोलते हैं। ठीक है, यानी ग्रोथ को हम लोग देख सकते हैं यानी, और विकास को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, विकास में क्या होता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, यही दोनों में अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, यहाँ पे देखिए आ गया क्वेश्चन फिर से वही जो अभी जस्ट हम बताए हैं। एक बच्चे में कार्यों तथा कौशलों की परिपक्वता को किस रूप में जाना जाता है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ग्रोथ, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है वृद्धि, ऑप्शन डी है प्रगति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सेकंड है विकास, वो राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसको जस्ट हम बताए हैं आप लोग को। ठीक है, चलिए तीन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी टर्नर सिंड्रोम क्या है, एक प्रकार की बीमारी है। और वो कैसी बीमारी है, वो अनुवांशिक बीमारी है। याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम जो एक है वो अनुवांशिक बीमारी है। उसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि क्रोमोजोम की संख्या पूछ रहा है कितना होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 47, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 46 और ऑप्शन डी है 44। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, कैसे, देखिए एक नॉर्मल जो मनुष्य होता है उसमें जो होता है कितना क्रोमोजोम होता है, 46 होता है। अगर जोड़ा में पूछे तो 23 बोलिएगा इसको, 23 बोलते हैं हिंदी में, तो 23 होता है, 23 पेयर यानी जोड़ा। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार के आप लोग जो है अनुवांशिक बीमारी, ये बहुत फेमस है, एक टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है। ठीक है, और एक जो होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 47 होता है। याद रखिएगा उल्टा होता है। ठीक है, टर्नर मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें नहीं होता है। इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या 45 होता है और डाउन सिंड्रोम में 46 होता है, और नॉर्मल कितनी, सॉरी, डाउन में 47 होता है और नॉर्मल में कितना होता है, 46 यानी कि 46। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, चार नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीधे तौर पर बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करता है, यानी सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है माता पिता का फिनोटाइप, बच्चे का लिंग, क्रोमोजोमल असामान्यताएँ, और फिर ऑप्शन डी है पिता का व्यवसाय। यहाँ बच्चे की वृद्धि पर और विकास पर प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा आंसर। पिता का व्यवसाय जो है वो बच्चों के वृद्धि और विकास पर प्रभावित नहीं करता है। क्या फ़र्क पड़ता है पिता का व्यवसाय क्या है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बच्चे का वृद्धि और विकास,
और माता पिता का फेनोटाइप यानी कि माता पिता की अनुवांशिक गुण जो है वो बच्चे की वृद्धि और विकास पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर माता पिता अगर दोनों नाटे हैं तो बच्चे का भी नाटे होने का ज़्यादा चांस होता है, अगर लंबे हैं तो लंबे होने का चांस होता है। तो माता पिता का फिनोटाइप बच्चे की वृद्धि और विकास पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बच्चे का लिंग भी इफेक्ट करता है, ठीक है। लड़का लड़की लड़की की वृद्धि जो होती है तेज़ी से होती है और लड़का का थोड़ा उसकी तुलना में कम होता है। और क्रोमोजोमल असामान्यता ये तो प्रभावित करता ही है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो है अब क्वेश्चन अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव भ्रूण किस उम्र में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव शुरू कर देता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव जो भ्रूण होता है किस उम्र में थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है गर्भावस्था के 12वें सप्ताह, ऑप्शन बी है गर्भावस्था के 24वें सप्ताह, और ऑप्शन सी है गर्भावस्था के 6वें सप्ताह, और ऑप्शन डी है गर्भावस्था के 32वें सप्ताह। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 12वें सप्ताह, यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर मंथ में बात करें तो मंथ में 3 मंथ हो जाएगा, यानी 3 मंथ पे थायरोक्सिन हार्मोन का जो है वो स्राव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं, यदि जन्म के समय बच्चे का वजन 3 केजी है तो 5 माह की उम्र में बच्चे का वजन कितना होगा। 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 7.5 किलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 किलो। कैसे, 5 माह की उम्र में जाते जाते जो बच्चे का वजन होता है वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर 6 केजी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2.5 केजी रहता तो 5 माह की उम्र में जाते जाते उसका वजन कितना हो जाता, 5 केजी हो जाता, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 30 से 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 35 से 40, और ऑप्शन सी है 45 से 50, और ऑप्शन जो है डी है वो 50 से 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग देखिएगा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये लंबाई जो है सेंटीमीटर में 45 से 50 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, किस उम्र में शिशु की लंबाई जन्म की लंबाई से दुगुनी हो जाती है, ठीक है। देखिए 5 माह की उम्र में क्या हो जाती है कि वजन दुगुना हो जाती है, कितना, 5 माह की उम्र में वजन दुगुना होता है, लेकिन यहाँ पे लंबाई पूछा जा रहा है कि लंबाई कब जो है दुगुनी हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 2 साल, ऑप्शन बी है 3 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, और ऑप्शन डी है 5 साल। तो अगर ईयर में बात करें तो 4 ईयर यानी 4 साल आते आते बच्चे की लंबाई जो होती है वो दुगुनी हो जाती है, ठीक है। 45 से 50 सेंटीमीटर ऐसे नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे अगर दुगुना होगा तो 90 से 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 4 साल तक जाते जाते। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए बहुत लोगों का कहना ये था कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाइए। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। चलिए ये सारा वैसे भी ऑनलाइनर है तो इसको आप लोग याद करना ही पड़ेगा, जहाँ समझाने वाला रहेगा वहाँ आप लोग को ज़रूर समझाएंगे, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जन्म के समय सिर की परिधि, ठीक है, सिर की परिधि यानी कि सिर की गोलाई कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये सिर हो गया,
तो यहाँ पे हम लोग जो ऐसे ललाट होता है वहाँ पे ऐसे फीता करके नापते हैं, तो वही मापते हैं तो औसत तो कितना होता है, लगभग लगभग परिधि सिर की, जन्म के समय बच्चे का परिधि कितना होता है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 28 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 से 33 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 33 से 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 37 से 40 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 से 35 सेंटीमीटर। सिर की परिधि कितना होती है? 33 से 35 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए? 33 से 35 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छाती की परिधि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जन्म के समय छाती की परिधि कितनी होती है। अभी हम लोग क्या जाने कि सिर की परिधि कितनी होती है, 33 से 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानेंगे छाती की परिधि कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 28 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 से 33 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 33 से 35 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी जो है वो है 37 से 40। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए यहाँ पे जन्म के समय जो होता है सिर का परिधि अधिक होता है छाती से। देखिए सिर की परिधि कितना है? 33 से 35 सेंटीमीटर, और छाती की परिधि कितना है? 30 से 35 सेंटीमीटर। ठीक है, छाती की परिधि 30 से 33 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर हम लोग सिर की बात करें तो वो 33 से 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, याद कर लीजिए, यहीं पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छाती की परिधि अगर बात करें तो छाती की परिधि सिर की परिधि से कम होता है, ठीक है, जन्म के समय, तो 30 से 33 हो गया। और सिर का परिधि बात करें तो 33 से 35 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थाई दांत का यहाँ पे बात हो रहा है कि एक बच्चे में अस्थाई दांत का निकलना किस उम्र में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 2 से 3 साल, ऑप्शन बी है 6 से 7 साल, ऑप्शन सी है 3 से 5 साल, और ऑप्शन डी है 10 से 12 साल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 7 साल में अस्थाई दांत जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा कब स्टार्ट होता है? 6 से 7 साल में। चलिए यहाँ पे 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा सबसे पहले किस उम्र में सहारे से बैठ सकता है? ठीक है, सहारे से कब बैठना स्टार्ट कर देता है? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 3 महीना, ऑप्शन बी है 5 महीना, ऑप्शन जो सी है वो 8 महीना, ऑप्शन डी है 10 महीना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 5 महीना। याद रखिएगा 5 महीने में, और हम क्या बताए थे कि क्या हुआ था, 5 महीने में ही उसका वजन क्या हो गया था? दुगुना हो गया था। वजन क्या हुआ था? दुगुना हुआ था। लंबाई दुगुना कब होगा? 4 साल पे। लंबाई दुगुना कब होगा? 4 साल पे। वजन दुगुना कब होगा? 5 महीना पे। और 5 महीने में ही वो सहारे से बैठ भी सकता है। ठीक है, क्या क्या हुआ देखिए, 5 महीने में क्या क्या हुआ। 5 महीने में उसका वजन जो हो गया दुगुना हो गया, जितना भी वजन जन्म के समय रहता है उससे दुगुना हो जाएगा 5 महीना जाते जाते। और फिर 5 महीने में क्या हो गया, वो सहारे से बैठ भी सकता है। और 4 साल में क्या हुआ था कि उसकी लंबाई क्या हो गया था? दुगुना। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,790 NM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये PDF ले लीजिए। ठीक है, इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4,000+ क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस
जो भी इससे रिलेटेड VBI क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक PDF में मिल जाएगा। इस PDF को अब आप लोग के मन में आना आ रहा होगा कि ये PDF कैसे ले, तो ये PDF लेने के लिए आप लोग के सामने एक WhatsApp नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये WhatsApp नंबर चंदन सर का है, ये WhatsApp नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर WhatsApp कीजिए कि PDF चाहिए, तो आप लोगों को ये PDF WhatsApp पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये PDF है आप लोग के सामने, जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस PDF से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस PDF से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो PDF जो है इसमें आप लोग को YouTube पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक WhatsApp ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये PDF परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक WhatsApp ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये WhatsApp नंबर आप लोग जो है WhatsApp नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए, ये WhatsApp नंबर है, WhatsApp नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस उम्र में बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू कर सकता है? 5 महीने में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था कि सहारे से बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि किस महीने में बिना सहारे के बैठ सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है 6 महीना, ऑप्शन बी है 8 महीना, ऑप्शन सी जो है वो है 10 महीना, ऑप्शन डी है 12 महीना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 8 महीने में वो बिना सहारे के बैठ सकता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किस उम्र में बच्चा तर्जनी और अंगूठे के बीच एक छोटी सी वस्तु जो होता है वो पकड़ सकता है? ठीक है, तर्जनी किसको बोलते हैं? जो अंगूठे के पास वाला जो उंगली होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस उम्र में बच्चा जो है वो छोटी छोटी वस्तु को पकड़ सकता है। ठीक है, तो अक्सर हमारा फर्स्ट है 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना और 9 महीना। तो किस महीने में पकड़ सकते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 महीना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चा किस उम्र में अपनी माँ को पहचानने लगता है? ठीक है, बच्चा किस उम्र में अपनी माँ को पहचानने लगेगा? 2 महीना, ऑप्शन बी है 3 महीना, ऑप्शन सी जो है वो है 6 महीना, ऑप्शन डी जो है वो है 7 महीना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 महीने में वो अपनी जो है माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, पूछा जाता है कि शिशु को शौचालय प्रशिक्षण किस उम्र में शुरू किया जाना चाहिए?
ठीक है, टॉयलेट जाने के लिए उसको किस उम्र में सिखाना चाहिए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना और 24 महीना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 महीना। 18 महीना यानी डेढ़ साल, लगभग डेढ़ साल की उम्र में उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देना चाहिए यानी शौचालय प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। फिर से एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, इम्पोर्टेंट। क्वासियोर्कर से पीड़ित बच्चों में देखे जाने वाले मानसिक परिवर्तन में शामिल है। क्वेश्चन सीधा सा ये आप लोग से पूछा जा रहा है, क्वासियोर्कर के लक्षण, किसी बच्चे को अगर क्वासियोर्कर हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखेंगे। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है चिड़चिड़ापन, ऑप्शन बी है उदासीनता, ऑप्शन सी है सुस्ती, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल। ठीक है, ये सारा लक्षण दिखेगा अगर क्वासियोर्कर से पीड़ित है। क्वासियोर्कर बच्चों में क्यों होता है? ठीक है, अधिकतर ये बच्चों में ही होता है। तो ये क्यों होता है? ये प्रोटीन की कमी से क्वासियोर्कर बीमारी होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे में घुमावदार पैर, विकृति श्रोणि और कबूतर की छाती जैसी नैदानिक विशेषताएं हैं, यानी इसमें क्या होता है? बच्चे का पैर जो होता है वो यू ऐसे घुमावदार टाइप का हो जाता है, और श्रोणि यानी पैल्विक में भी कुछ विकृति आती है, और छाती जो होता है कबूतर की जैसे यानी छाती जो होता है वो निकला हुआ टाइप का रहता है, ऐसे नहीं रहता है, वो थोड़ा ऐसे यू टाइप का निकला हुआ टाइप का रहता है। ठीक है, तो वो किस बीमारी का ये है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है रिकेट्स, ऑप्शन बी है अस्थि मृद, ऑप्शन सी है केराटोमलेसिया, ऑप्शन डी है बेरीबेरी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो ए है रिकेट्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। रिकेट्स क्यों होता है? रिकेट्स विटामिन जो होता है डी के कमी से होता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा बेरी बेरी किस बीमारी के, सॉरी किस विटामिन की कमी से होता है बेरी बेरी। चलिए 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिशु के लिए विटामिन B12 की अनुशंसित दैनिक मात्रा क्या है, यानी एक शिशु को विटामिन B12 की कितनी मात्रा ज़रूरत होती है? ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट है 1 माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी है 2 माइक्रोग्राम, ऑप्शन सी है 0.2 माइक्रोग्राम, ऑप्शन डी है 0.8 माइक्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे एक जो शिशु होता है ना उसको 0.2 माइक्रोग्राम, लगभग 0.2 माइक्रोग्राम B12 की आवश्यकता होती है डेली। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया, इसको VVI में लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है पूछेगा आप लोग को एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग संचारी रोग नहीं है, यानी कौन सा रोग जो होता है एक दूसरे से नहीं फैलता है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है। तो हमारा जो है ऑप्शन फर्स्ट है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी है कोविड, ऑप्शन सी है डिप्थीरिया और ऑप्शन डी है खसरा। तो यहाँ पे आप सभी को पता है चिकन पॉक्स भी, यानी इसको आप लोग बोलते हैं चेचक, तो ये चेचक एक दूसरे से फैलता है, और कोविड का तो आप लोग पूछिए ही मत। ठीक है, और खसरा भी फैलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। रोग से बचाव के लिए अब कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT लगाया जाता है, DPT। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 बीमारी होता है DPT में, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। पर्टुसिस को हम लोग काली खांसी भी बोलते हैं। तो डिप्थीरिया के रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो आप लोग
नोट कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बच्चों में खसरा का संचरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, यानी खसरा का संचरण किस द्वारा हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन जो चार दिया गया है, चारों में से किसके द्वारा होता है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ड्रॉपलेट संक्रमण, ऑप्शन बी है ट्रांसप्लेंसेंटल, ऑप्शन जो सी है यौन संपर्क, ऑप्शन डी है रक्त आधान। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर ड्रॉपलेट संक्रमण, यानी कि बिंदु, इसको संक्रमण भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे खांसते या छींकते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, ड्रॉप निकलता है। ठीक है, पानी की कुछ लार की कुछ बूंदे निकलता है, तो वो अगर एक दूसरे में फैल जाता है, उससे एक दूसरे में फैल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, डिप्थीरिया सामान्यतः किस आयु वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया किस साल के बच्चों में अधिकतर पाया जाता है, सामान्यतः यानी कि अधिकतर। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट है 0 से 2 साल, ऑप्शन बी है 0 से 3 साल, और ऑप्शन सी है 1 से 5 साल, ऑप्शन डी है 3 से 10 साल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादातर जो है वो डिप्थीरिया फैलता है। यानी डिप्थीरिया ज़्यादातर किस उम्र के बच्चों में होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में होता है, याद रखिएगा। 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग पूछा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है खसरा, ऑप्शन बी है मम्स, ऑप्शन सी जो है वो एड्स है, ऑप्शन डी है टेटनस। तो देखिए, आप सभी को जो है जब फर्स्ट या दूसरा, पहला या दूसरा क्लास हुआ था, तो उस टाइम जो है हम आप सभी को बताए थे कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन सा रोग जो होता है वायरस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खसरा, एड्स ये सब किसके कारण होता है, ये सब होता है वायरस के कारण, और जो टिटनेस होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्टुसिस की सर्वाधिक घटना किस आयु वर्ग में पाई जाती है, यानी पर्टुसिस जो बीमारी होती है वो अधिकतर किस उम्र के बच्चों में होती है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 0 से 2 साल, ऑप्शन बी है 0 से 5 साल, ऑप्शन सी है 2 से 8 साल, और ऑप्शन डी है 0 से 10 साल। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को पता है कि डिप्थीरिया भी इसी उम्र के बच्चों में हुआ था और पर्टुसिस भी। आप अभी कमेंट करके बताइए, अभी जस्ट जो है बताए थे कि पर्टुसिस के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, पर्टुसिस बीमारी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र में एक बच्चा मामा बाबा जैसे 2 अक्षरों का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, यानी मामा बाबा जो हल्के हल्के वर्ड है वो बोल सकता है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है वो है 6 महीना, ऑप्शन बी जो है वो है 4 महीना, ऑप्शन जो सी है वो है 9 महीना, ऑप्शन जो डी है वो है 12 महीना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9 महीने। लगभग 9 महीने में क्या हो गया था कि ये मामा बाबा दादा बोल सकता है। और 9 महीने से रिलेटेड एक वर्ड बताए थे, क्या बताए थे कि वो उंगलियों से, कौन उंगली से, अंगूठा और तर्जनी से मिलकर दोनों उंगली से छोटी छोटी वस्तुओं को वो उठा सकता है। कितने महीने में, 9 महीने में, और 9 महीने में ही मामा दादा बोलता है, और 3 महीने में क्या करता है कि वो अपनी माँ को पहचानता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को, क्योंकि अपनी माँ से वो ज़्यादा अटैच रहता है ना, तो वो 3 महीने में ही वो पहचानने लगता है।
और आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट है वो रिवाइज करवा देते हैं कि वजन दुगुना कब हुआ था। वजन दुगुना हुआ था 5 महीने में, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि लंबाई दुगुना कब हुआ था, तो लंबाई दुगुना हुआ था 4 साल पे, ठीक है। और 5 महीने में क्या बताए थे कि वो सहारे से क्या हो सकता है, सहारे से बैठता है 5 महीने पे, बिना सहारे के बैठता है 8 महीने पे, ठीक है। ये सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। और जो डिप्थीरिया पर्टुसिस होता है वो लगभग कितने साल के आयु में होता है, 1 से 5 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर होता है। ये सारा कुछ आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। रिवीजन करा दी है और फिर जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग उसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आप लोग को बता देंगे हम। आप लोग का आंसर जो भी आता क्वेश्चन आता है आप लोग को इन्फो विथ नर्सिंग एक आप लोग के सामने आता है, मेरा ही चैनल है, उसी से आप लोग का रिप्लाई भी जाता है, ठीक है। तो आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को ये PDF लेना है तो आप लोग को एक नंबर बताते हैं, 87 89 69 42 29। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, ये सारा PDF आप लोग को मिल जाएगा बिना डाउट के, ठीक है। और आप लोग ये PDF रखिए ताकि रिवीजन करने में आप लोग को इजी हो और कोई भी पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। और बार बार पूछते हैं बोलते हैं कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछिए, कमेंट में पूछिए, ठीक है। और जो कुछ अगर आंसर आप लोग से पूछा जाता है उसका भी रिप्लाई आप लोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोग एक बार जब उसको लिख दीजिएगा ना तो आप लोग को नहीं भी जो याद रहेगा ना वो याद हो जाएगा, या फिर आप लोग को जो नहीं याद है तो कमेंट में आप लोग देखिएगा उसका रिप्लाई आंसर ज़रूर आया रहेगा, तो उससे भी आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।